हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, वो इंसान कैसा होगा, मतलब कि वृषभ राशि वालों का जीवन साथी कैसा होता है, उन लोगों को कैसा जीवन साथी प्राप्त होता है, उस इंसान का पर्सनालिटी, उस इंसान का आपके साथ कंपैटिबिलिटी, लॉयलिटी, बिहेवियर्स अंदर से कैसे हैं, वो बाहर से कैसे हैं, ये सब हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। एंड साथ में नेम इनिशियल्स भी देखेंगे। ओके, जोड़ी एक साइन भी मैं बताने वाली हूँ। सो अगर आप अभी किसी के साथ डील कर रहे हो तो उस इंसान के साथ आपका मैरिज होने का चांसेस, मतलब कि शादी होने का चांसेस कितना रहेगा, वृषभ राशि वालों का लव मैरिज होने का चांसेस कितना रहता है, अरेंज मैरिज होने का चांसेस कितना रहता है, वो भी हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आप इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा आराम से देख सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो तो आप अपने पर्सन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान सकते हो यहाँ पर। फाइन, सो अगर आपकी राशि टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। द टावर, नेक्स्ट यहाँ पर है द डेविल। ओके, देखो ये सब कार्ड्स को देखकर ना भाग मत जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है। ओके, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो अक्सर लोग क्या करते हैं, टावर एंड डेविल को देखकर भाग ही जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ख़राब होने वाला है या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा ख़राब निकलेंगे। ऐसा नहीं है गाइस, मैं बता देती हूँ, एक्चुअल में तो इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है। आपके जो जीवन साथी होने वाले हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं ना, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, दर्द हैं, इनको बहुत सारे लोगों ने ठगा है, इनके भाग्य ने इनका साथ बहुत बार छोड़ा है, जिसके वजह से ही ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा ना कठोर से बन गए हैं, रियलिस्टिक बन गए हैं, इमेजिनेशन एकदम से नहीं कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट गए हैं। इस इंसान को ना प्यार की ज़रूरत है, इस इंसान की लाइफ में शांति की ज़रूरत है, जो कि आपके साथ शादी होने के बाद ही इस इंसान को मिल पाएगा। एंड मुझे दिख रही है कि ये इंसान अभी अपने लाइफ को ना जस्ट चेंज करना चाहते हैं। ये इंसान लव लाइफ के साइड से भी बहुत बार धोखा खा चुके हैं, बहुत बार रिजेक्शन इनका हाथ लग चुका है, करियर के साइड से भी, जॉब के साइड से भी, बिजनेस के साइड से भी इनको लॉसेस फेस हुआ है, दिख रही है मुझे। ये इंसान अभी अपने लाइफ में गोइंग विद द फ्लो चल रहे हैं, अभी अपने लाइफ को जस्ट भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं। जैसा इनके भाग्य में लिखा है वैसा ही होने वाला है, तो और ज़्यादा सोचकर ये इंसान क्या करेंगे, फोर्स लगाकर क्या करेंगे, जितना भी फोर्स लगाना था इनको इन्होंने लगा लिया है। अभी ये इंसान जस्ट टाइम के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ बहते रहते हैं। पहले का एक टाइम था जब ये इंसान बहुत ज़्यादा फुर्तीले थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुद को लेकर व्यस्त रहते थे, टाइम को एकदम नष्ट नहीं करते थे। बट अभी ये इंसान उस चीज़ का जस्ट विपरीत बन गया है, मतलब कि उल्टा हो गया है। ये इंसान अभी किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, ना अपने खाने पीने पर ध्यान देते हैं, ना सोने पर ध्यान देते हैं, ना खुद को इम्प्रूव करने में ध्यान देते हैं। एकदम से क्या बताऊँ, फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेशन वाला एक इंसान है आपके जो जीवन साथी हैं। बट ये इंसान एक चीज़ के लिए लॉयल दिख रहे हैं, वो हैं आपके लिए, मतलब कि इनके जीवन साथी के लिए ये इंसान शिद्दत से वेट कर रहे हैं। इनको पता है कि इनके लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा आएगा जो इनके भाग्य बदल देगा, इस चीज़ के लिए ये इंसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो लव है ना, ये इन्होंने बचा कर रखा है, एंड जब भी आप इनको मिल जाओगे ना, तब ये इंसान आपको ना टूट कर प्यार करने वाले हैं गाइस, टूट कर। इनकी पूरी ज़िंदगी आपके हाथ में लाकर रख देंगे, आप कुछ भी कर सकते हो इनके साथ। इतना ज़्यादा भरोसेमंद, इतना ज़्यादा लॉयल पार्टनर आप कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते हो कि आपको इतना प्यार मिल सकता है लाइफ में। ऐसा एक पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं गाइस, आपका जो फ्यूचर स्पाउस, आपका जो जीवन साथी है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। इनका जो भी है इन्होंने आपके लिए बचा कर रखा है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग पर्सन है, मतलब कि किसी को अगर कुछ ज़रूरत पड़ता हो तो ये इंसान दौड़ कर चले जाते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं आगे पीछे। बट हेल्प लेने के बाद, काम हो जाने के बाद लोग इनको नहीं पहचानते हैं, लोग इनको छोड़ देते हैं, लोग इनके बारे में एकदम से सोचते भी नहीं हैं। ओके, इन्होंने हेल्प किया है, इन्होंने इतना ज़्यादा ख्याल रखा है किसी का, इस चीज़ को जस्ट इग्नोर कर जाते हैं लोग। बट ये इंसान ना जीवन के ये सभी परेशानियों को ना एक्सेप्ट करके बैठे हैं, दिख रही है मुझे। देख लेते हैं ये इंसान आपके लायक हैं कि नहीं, आपके साथ इनका कंपैटिबिलिटी चेक कर लेते हैं, एंड आपके जीवन साथी आपके लाइफ में कब तक एंटर हो जाएगा। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो देख लेते हैं, एंड अगर आप ऑलरेडी किसी को प्यार करते हो तो वो भी चेक कर लेते हैं कि उनके साथ आपका शादी होगा कि नहीं,
एंड लव मैरिज होने का चांसेस कितना है, अरेंज मैरिज होने का चांसेस कितना है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके देखो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि लव मैरिज होने की चांसेस 70% है। आप कह सकते हो कि 75% चांसेस हैं वृषभ राशि वालों का लव मैरिज होने का, एंड बाकी जो 25% हैं वो यहाँ पर अरेंज मैरिज के लिए दिख रही है मुझे। देखो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हाई है, जेमिनी की एनर्जी है, एंड पाइसिस वर्गो की एनर्जी दिख रही है, साथ में एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस की एनर्जी एक साथ दिख रही है, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी एक साथ दिख रही है। ओके सो यस यही एनर्जीज दिख रहे हैं मुझे, मतलब कि इन जोडियक साइन में से कोई एक जोडियक साइन का आपका पर्सन हो सकता है, या फिर इनके चार्ट में कहीं पर ये राशियां स्ट्रांग हो सकता है। देखो फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप इनको पाकर ना बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हो गाइस, आपके तरफ आती हुई हर एक बुरी चीज़ को ये इंसान रोक लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो नाइन ऑफ वांड्स, आपको जो भी चीज़ें डिस्टर्ब करेगा, आपको जो भी चीज़ें तंग करेगा, आपको जो भी चीज़ें रुलाएगा, ये उस चीज़ को, ये उस इंसान को, उस सिचुएशन को छोड़ने नहीं वाले हैं। इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे आपको, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, दिख रही है मुझे। आपको हर एक साइड से ना हमेशा एक प्रोटेक्शन देकर रखेंगे, एक बाउंड्री के अंदर रखेंगे, जिसकी वजह से आपको कभी भी लाइफ में ना डर कर चलने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा फ्री माइंड में, ओपन माइंड में चल सकते हो, फ्रीडम लेकर चल सकते हो, घूम सकते हो। आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्रोटेक्शन महसूस होगा इस इंसान की तरफ से। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स से आपके किसी भी परेशानी में ये इंसान एकदम से आगे चलकर आएंगे, आपको उस परेशानी से बाहर ले जाने के लिए। ये इंसान खुद कष्ट करेंगे, खुद मेहनत करेंगे, खुद से इनको जो भी होगा वो करेंगे, बट आपको कष्ट में ये इंसान नहीं रखेंगे, आपको किसी भी स्टक सिचुएशन में ये इंसान नहीं रखेंगे। इतना ज़्यादा प्यार करेंगे आपसे, आपके लिए इतना लायक होने वाला है। ओके ऐसा इंसान ना ढूंढने से भी नहीं मिलता है, आपके लाइफ में भगवान ने जैसा जीवन साथी लिखा है। एंड मुझे दिख रहे हैं ये इंसान थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड टाइप के पर्सन होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कष्ट झेलने के बाद जाकर ये इंसान आपको मिलेगा, या फिर आप कह सकते हो कि इनको आप मिलोगे, तो जिसकी वजह से ये इंसान अपने दुख की गाथाओं को, पिछले टाइम के जो भी प्रॉब्लम्स थे, ये सब आपको सुनाना पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है झूठ कह दे आपको इनके लाइफ के बारे में, बट इनके अंदर के फीलिंग्स की वजह से ये इंसान प्यार उतना ज़्यादा जताएंगे नहीं, बट करेंगे टूट कर, दिख रहे हैं। एंड द मजिशियन की एनर्जी कह रहा है कि ये इंसान आपके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे टाइप्स के इंसान रहेंगे, एक मजिशियन की तरह काम करेंगे। आपकी हर एक बात को ये इंसान ना फॉलो करेंगे, आपकी हर एक चीज़ को ये इंसान सराखों पर रखेंगे, आपके लिए ये इंसान किसी भी हद तक जा सकते हैं, एंड आपके लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं। हो सकता है इस चीज़ को आप समझ ना पाओ उनको देखकर कि ये इंसान आपसे कितना प्यार करेंगे, या फिर अभी करते हैं, बट ये इंसान ऐसा फीलिंग्स रखेंगे अपने अंदर। एंड दिख रही है मुझे कि अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो ये इंसान आपके लाइफ में काइंड ऑफ एक महीने के अंदर एंटर कर सकता है, या फिर एक साल के अंदर मैक्सिमम दिख रही है। इस इंसान के साथ आपका मुलाकात हो जाएगा, आपके जीवन साथी आपके लाइफ में एंटर हो जाएगा। एंड चलिए देख लेते हैं कि आफ्टर मैरिज आप दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा, कैसा बनेगा, आप उनको कितना प्यार करोगे, एंड ये इंसान दिखने में कैसे होंगे। ओके नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार, विश का फुलफिलमेंट, कहीं ना कहीं आप उनके विश फुलफिलमेंट कहलाने वाले हो, एंड वो आपके किंग ऑफ वांड्स। ओके देखो शादी के बाद हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि ये इंसान थोड़ा सा अनरोमांटिक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक पर्सन है, चीज़ों को इमेजिन करने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। देखो ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले से बताया कि ये इंसान अंदर ही अंदर सब कुछ जानते होंगे, सब कुछ समझते होंगे, बट सामने कुछ भी शो नहीं करेंगे आपके, जिसकी वजह से मुझे दिख रही है कि करीबन शादी के बाद एक साल या फिर डेढ़ साल आपको लग जाएंगे उस इंसान को समझने में, बट समझने के बाद आप दोनों के बीच में कोई भी दूरियाँ नहीं रहेगा, कोई भी गैप नहीं रहेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। एंड ये जो इंसान है मुझे दिख रही है कि ये अगर लड़का है तो थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन एंड फेयर कम्प्लेक्शन का होगा, सांवला नहीं होगा। अगर लड़की है तो डेफिनेटली पूरी तरीके से फेयर कम्प्लेक्शन ही दिख रही है, बहुत ज़्यादा कम लोग के लिए दिख रही है कि सांवली हो सकता है।
एंड इनके साथ आपका मुलाकात सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए दिख रही हैं, या फिर किसी वाटर रिलेटेड जगह पर हो सकता है, या फिर किसी पार्टी में जाकर हो सकता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हो, कोई सेलिब्रेशन का मोमेंट्स चल रहा हो, शादी हो रही हो, या फिर बर्थडे पार्टी हो, कोई शुभ कार्य हो रहा हो, ऐसी जगह पर इनके साथ आपका मुलाकात हो सकता है। ये इंसान ना एक किंग के वाइब्स में रहने वाला इंसान होगा, बाकियों से बहुत अलग होगा, बहुत यूनिक पर्सन होगा। इस इंसान को देखते ही आप समझ जाओगे कि यही इंसान है वो। बातें बहुत ज़्यादा कम करते हैं। देखो आफ्टर मैरिज वैसे आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं दिख रही है मुझे, बट किसी के फैमिली के लोग थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकते हैं आप दोनों के बीच में जाकर, मतलब कि थर्ड पार्टी थोड़ा सा घुस सकता है जिसके वजह से छोटा मोटा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बट इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। एंड देखो जो लोग अभी रिश्ता देख रहे हो, शादी के लिए रेडी हो गए हो, वो लोग अगर जानना चाहते हो कि कब तक आपका शादी हो जाएगा, पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक बन रही है कि 17 से 19 दिन के अंदर आपका शादी हो सकता है या फिर 17 से 19 दिन के बाद हो सकता है, एंड मैक्सिमम मुझे दिख रही है कि 6 महीने के अंदर आपका शादी फिक्स्ड हो जाएगा, आपको आपका जीवन साथी मिल जाएगा। एंड देख लेते हैं कि उस इंसान का नेम का इनिशियल होने का पॉसिबिलिटी क्या है। ओके फाइन, वी है यहाँ पर, ए है, डी है, एम है, बी है एंड सी है। ओके, के आई जे एस पी जी एल टी एक्स एम। ओके सो यस, यही इनिशियल्स हैं। एंड ओ है, एच है। ओके सो यस, यही इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं एंड यहाँ पर जे भी है। सो थैंक यू टॉरस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।